बंधे बंधे एक डोरी से। जैसे ये मंगलसूत्र मेरे हाथ में ना, वैसे ही तेरा रिश्ता भी मेरे हाथ में है। सर मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है इस मंगलसूत्र में। मन तो कर रहा है कि तुम एक जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन नहीं, हम तुम्हें रघु के पास रोते हुए जाने का मौका नहीं देना चाहते। तुमने जो ये हरकत की है ना आज सुमित्रा, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अब तक हम तुम्हारी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। तुमने हमारा मंगलसूत्र तोड़ने की हिम्मत की है ना, अब हम तुम्हें जवाब देंगे। जवाब तो मैंने तुझे दिया है शिवानी, जिस तरह आज ही तेरा मंगलसूत्र तोड़ा है ना, उसी तरह एक दिन तेरा ये रिश्ता भी तोड़ूंगी। इन मोतियों की तरह समेटती रह जाएगी तू उसे, और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों लाई हो सुमित्रा तुम मुझे यहाँ भीड़ में? भाभी आपको सॉरी बोलने के लिए, वो मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा ना आपको। थप्पड़ ईटिंग किया हमने माजी के हाथ का तुम्हारी वजह से। वो तो मैं थी सुमित्रा जो इतना टॉर्चरिंग होने के बाद भी चुप रही, और तुम्हारे बारे में कुछ स्पीकिंग नहीं कर दिया मैंने सबके सामने। मान गई मैं भाभी आपको, आप इस घर में सबसे अच्छी है। वो ना मैं आपको चाहे कितना भी सॉरी कितना भी थैंक यू बोलो कम ही पड़ेगा, इसलिए सॉरी और थैंक यू की जगह मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट क्या लाई हूँ? ये लीजिए। क्या है इसमें? इसमें मेकअप का सामान है, खास चुनकर लाई हूँ आपके लिए, वो भी विदेशी। ये तो बहुत ही अच्छा है ना। चलो भाभी अब मुझे माफ भी कर दो। की बातें करियो सुमित्रा, कर दिया तुम्हें माफ। चलिए सब्जियां खरीदते हैं, माँ जी ने मंगवाई है। माँ जी? हाँ चलो चलो। टमाटर कैसे दिए भैया? अरे ये वही है ना लता की दूसरी बहू सुमित्रा। हाँ हाँ ये सुमित्रा ही है, बड़ी बेशरम लड़की है, बिना शादी किए रघु के घर में पड़ी है। अरे इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो माँ बाप को घर छोड़ के चले जाना पड़ा, और तो और मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है इनके परिवार की। ए क्या रे, हाँ क्या बात कर रही हो, खुसर खुसर कर रही हो मेरे पीठ पीछे, बोलो। हम कुछ भी आपके बारे में नहीं बोल रहे, जो सब कहते हैं वही कह रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं सब, बोलो। हाँ मेरे मुंह पे बोलो ना, बोलो। सुमित्रा तुम इनको लीविंग करो, चलो यहाँ। नहीं भाग, आज तो मैं इनसे बात करके रहूंगी। इनको बड़ा शौक है ना दूसरों के घर में ताक झाक करने का। हम किसी के घर में कभी कोई ताक झाक नहीं कर रहे हैं, ये तो तुम ही हो जो किसी का बसा बसाया हुआ घर बर्बाद करने आ गई हो। अच्छी खासी रघु और बैबे जी की शादी हो गई थी, तुम आ गई और सब कुछ बर्बाद कर दिया।
जिस बारे में पता ना हो ना उस बारे में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं आई उन दोनों के बीच में, वो बेबी जी आई है मेरे और रघु के बीच में। बेबी जी के आने से पहले रघु के साथ मेरी सगाई तय हो चुकी थी। अगर तुम्हारी सगाई तय हुई थी तो अभी बीबी जी क्या कर रही तुम्हारे घर में? और मंगलसूत्र आज भी बीबी जी के गले में है, और पूजा में तुम नहीं बैठी थी, बीबी जी ही बैठी थी। चलो जी। देखो ना, हमारा मंगलसूत्र टूट गया है। हम इसके बीच से कंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में ही नहीं आ रहा है। विजय, आप क्यों कर रही हैं? आप मुझसे कहती, एक मिनट रुकिए। विजय छोड़िए, दीजिए, ये लीजिए, इसमें डाल दीजिए, छोड़िए, इसमें रखिए। आप रुकिए, मैं करता हूं। इतनी सी बात को लेकर परेशान हो गई, आप छोड़िए, मैं कर लूंगा। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, बंधे एक डोरी से। ये देखिए बेबी जी, उठिए। ये देखिए बेबी जी, सारे मोती समेट लिए मैंने। आप क्यों इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही थी? रघु, ये हमारा मंगलसूत्र है, हमारी पहचान है ये। एक पत्नी अपने मंगलसूत्र के बिना बिल्कुल अधूरी होती है। तुम प्लीज इसे जल्दी से जल्दी ज्वेलर के पास दे दो, हमें अपना मंगलसूत्र जल्दी से जल्दी वापस चाहिए रघु, प्लीज। जी बेबी जी, मैं कभी सुमित्रा की वजह से हमारा ये रिश्ता बिखरा भी तो हमें पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर फिर से ये रिश्ता समेट लेंगे। बिखरे हुए सारे मोतियों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर से प्यार के धागे में पिरो देंगे। रघु, आज तो मुझे बता ही दो, ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या बात है सुमित्रा जी, आप किस बारे में बात कर रही? मेरे बारे में, मेरे हालात के बारे में, और तुम्हारा मेरे प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में। रघु, क्या बात सुमित्रा जी? रघु, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों। मजाक बनकर रह गई है मेरी जिंदगी, पर घर में कोई इज्जत ना, बाहर सड़क पर चलो तो लोग हंसते हैं मुझ पर। रघु, तुमने मुझसे शादी का वादा करके एक दूसरी औरत बनाकर रखा है मुझे। आप क्या कह रही हैं सुमित्रा जी, आप ऐसी बातें मत करिए प्लीज। देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए आप। वक्त नहीं है मेरे पास रघु, एक छत के नीचे दो औरतें नहीं रख सकते रघु, ये बेइज्जती है मेरी भी और इस रिश्ते की भी, और ये बेइज्जती मैं अब और नहीं सह सकती रघु। और अगर तुम अभी कह दो तुम बेबी जी से प्यार करते हो,
तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम भी है? आप सब जानते हैं, पर आप, मैं आपसे कह चुका हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता बेबी जी के बारे में। ऐसा नहीं सोचते तो यहाँ बैठकर बेबी जी का मंगलसूत्र क्यों बना रहे हो रघु? नहीं रघु, तुम कहते कुछ और करते कुछ और। देखिए सुमिता जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप खुद बताइए मुझे, अगर अगर ऐसा कुछ होता मेरे मन में तो मैं आपसे वादा ही क्यों करता? वो जो तलाक के पेपर्स हैं उन पे क्यों साइन करता मैं? अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं है रघु, तो तुमने तलाक के पेपर्स बेबी जी को क्यों नहीं दिए? अब सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम बेबी जी से प्यार नहीं करते, क्योंकि अब मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ नहीं बांट सकती रघु। मैं बस अपना हक चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये मालकिन मुझसे मेरा हक छीन रही है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। ये तुम्हारा टिफिन हमने पैक कर दिया, आज हमने मीठा भी रखा है, तो तुम खाने के बाद जरूर खा लेना। बेबी जी, ठीक है, मैं खा लूंगा। थैंक यू बेबी जी, चलता हूं। जी मेरा नाम अनिल चौधरी है, मुझे डॉक्टर परिमल ने रघु सेरिया से मिलने को कहा है। जी मैं हूं रघु सेरिया, आइए। ये आपने डॉक्टर परिमल को मैसेज किया था कि आप शिवानी राणा जी से तलाक के पेपर्स पर आज ही दस्तखत करवाना चाहते हैं। जी देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। नहीं, पर मुझे मैसेज मैंने किया था। नमस्ते। पानी लेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया। जी मैं सुमित्रा हूँ, रघु की मंगेतर। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक बेबी जी यानी शिवानी जी और रघु का तलाक नहीं हो जाता। इसीलिए मैंने डॉक्टर परिमल को मैसेज किया था। रघु, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम तलाक के पेपर पर साइन कर चुके हो। सिर्फ बेबी जी के साइन लेने बाकी है। हम सबकी जिंदगी सिर्फ बेबी जी के साइन पर रुकी हुई है। तलाक के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, जैसा तुमने मुझसे वादा किया था। हम दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। बेबी जी, आज नहीं तो कल ये तलाक तो होना ही था। इसमें जितनी देरी होगी तकलीफ भी उतनी होगी। आपको भी और मुझे भी, सबकी भलाई इसी में है कि ये काम आज अभी इसी वक्त खत्म किया जाए। लाइए अनिल जी,
तलाक के पेपर और पेन दीजिए। शुक्रिया। नमस्ते। रघु, ये लो तलाक के पेपर, इन पर बेबी जी के साइन ले लो। मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर लो। रविजी इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। बेबी जी, आज तक मेरे पति ने आपकी बहुत सेवा की है। इतने सालों तक आपने जो भी कहा उसने सिर्फ वही किया, लेकिन आज एक बार उसकी बात मान लो। इन पेपर्स पर साइन करके उसे आजाद कर दो। हम दोनों आपके जिंदगी पर एहसानमंद रहेंगे। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो रघु? मैं समझता हूँ बेबी जी, मैं जानता हूँ इस वक्त आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बेबी जी मेरी बात का यकीन मानिए। मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ बेबी जी। मैं और कुछ बेबी, मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन बेबी जी मैं इस लायक नहीं हूँ बेबी जी कि मैं आपका पति बन सकूं। मेरी औकात ही नहीं है ऐसा सोचने की। मैं क्या करूं? आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन हम क्या समझे रघु, हम तो कुछ भी सोचने या समझने के लायक ही नहीं रहे। काश कि हम हवेली की जगह इस मोहल्ले में पैदा हुए होते, कोई फर्क ना होता हम दोनों के बीच, हम तुम्हारे बेबी जी ना होते, सिर्फ शिवानी होते, तब तो तुम हमें अपना लेते ना रघु। तुम्हारे बिना हम क्या मतलब निकाले जिंदगी का? अगर तुम्हें ही जिंदगी से अलग कर देंगे तो जान ही निकल जाएगी हमारी रघु। कैसे कैसे जिएंगे हम? बेबी जी, आप ये सब क्यों डूइंग कर रही हैं? आपके ये सब डूइंग करने से रघु भैया की प्रॉब्लमिंग और बढ़ रही है। अरे वो सुमित्रा से शादी करना चाहते हैं और आप है कि उन्हें बांध कर बैठी हुई है। रघु भैया और बेचारे कितनी बार टेलिंग करेंगे आपको? रघु भैया को भी तो अपनी आजादी चाहिए ना, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने मतलब की पड़ी है। बेबी जी, एक औरत होने के नाते मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ मैंने भी सही है। सबकी भलाई इसी में है, क्योंकि रघु आपसे शादी करना नहीं चाहता। क्या आपको अच्छा लगता है इस तरह किसी पर बोझ बनकर पड़े रहना? जी बस कीजिए। क्या कह रही हैं आप?
रवि जी, विश्वास के साथ उठाना और किसी और को अपने घर वालों के प्रति कुछ गलत बातें करने दे। अब अगर किसी ने भी रघु और मेरे बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो फिर चाहे उसके घर वाले हो या फिर तू। Sita padin 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 s